अभी दोस्तों हम चेतक रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे अभी लंच करेंगे। और ये पूरा यहाँ महाराणा प्रताप का पूरा स्टैचू बनाया हुआ है, देखो कितना शानदार है। और एक पेंटिंग है बहुत शानदार। और अंदर से दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी खाना खाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। दोस्तों जो ये सीरीज पहले से देख रहे हैं आप सभी को पता है हम हैं हल्दी घाटी में और हम अब जा रहे हैं हल्दी घाटी से उदयपुर की तरफ। मॉर्निंग में हम चले थे कुंभलगढ़ से उदयपुर को और बीच में हमने हल्दी घाटी को भी एक्सप्लोर करना था। तो हल्दी घाटी का पार्ट हमारा पूरा हो चुका है और जिसने भी वीडियो नहीं देखी है पिछली सीरीज की तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी है और काफ़ी उसमें आपको बताया गया है राजस्थान के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में और हल्दी घाटी के बारे में। हमारा लंच आवर हो चुका है और हम जा रहे हैं उदयपुर और यहाँ से उदयपुर का डिस्टेंस है लगभग 42 किलोमीटर और समय लगेगा 1.5 आवर। तो रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं। दोस्तों अभी हम हाईवे 27 पे पहुंच चुके हैं और ये जा रहा है उदयपुर की तरफ। अगर हम उदयपुर से आते हैं तो माउंट आबू की तरफ हम जा सकते हैं इस हाईवे से। तो हाईवे का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार व्यू है, जो माउंटेन्स है चारों तरफ बहुत ही शानदार है और हाईवे भी बहुत शानदार है। ये आई थिंक टोल रोड है और बहुत ही शानदार है। तो अभी हम जाएंगे उदयपुर और वहाँ पिछोला लेक पे बोटिंग करेंगे। तो राइड बहुत ही बढ़िया हो रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा है और अभी कुछ गर्मी महसूस नहीं हो रही है यहाँ पे। दोस्तों उदयपुर में हम एंटर कर चुके हैं, समय हुआ है 2:05। तो वहाँ पिछोला लेक पहुँचने में हमें लगभग अभी 30 मिनट्स और लग जाएंगे। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उदयपुर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप जा सकते हैं सिटी पैलेस, जो कि महाराजा उदय सिंह के द्वारा बनाया गया था, बहुत ही शानदार महल है। तो ये पिछोला लेक के बिल्कुल जस्ट साथ में ही है। दूसरा नंबर है फतेह सागर लेक और ये फतेह सिंह ने बनाई थी, बिल्कुल मैन मेड झील है और बिल्कुल नीला पानी है इस झील का और चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है, लुक लाइक है कश्मीर का फील आता है आपको। दोस्तों तीसरे नंबर पे है जग मंदिर आइलैंड पैलेस, पिछोला लेक के बीच में जो टापू है उसके अंदर बना हुआ है जग मंदिर आइलैंड पैलेस। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं लेकिन थोड़े कॉस्टली है। इसमें लेक गार्डन है और रेस्टोरेंट है, काफी शानदार प्लेस है और यहाँ पे कहा जाता है रवीना टंडन की मैरिज भी हुई थी। चौथे नंबर पे हम जा सकते हैं पिछोला लेक, जो कि मैन मेड लेक है उदयपुर की, बहुत ही शानदार लेक है, वहाँ पे बोटिंग भी होती है और वहाँ पे आप देख सकते हैं लेक पैलेस, जग मंदिर पैलेस भी देख सकते हैं, मोहन मंदिर भी देख सकते हैं और भी बहुत कुछ देखने को है अपना पिछोला लेक में। पांचवें नंबर पे साजनगढ़ पैलेस, जो 1884 में साजन सिंह के द्वारा बनाया था। तो आप पिछोला लेक पे अगर बोटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, जो सबसे हाइट पे पैलेस है वो साजनगढ़ पैलेस है और वो क्लाउड को देखने के लिए बनाया गया था कि बारिशों के टाइम आप बादलों को बहुत करीब से देख सकें। तो आप इसको भी देख सकते हैं, उससे पूरी सिटी आपको उदयपुर सिटी ऊपर से नज़र आएगी। छठे नंबर पर आप देख सकते हैं गुलाब बाग, जो साजन सिंह ने ही बनाया था और ये उदयपुर का सबसे बड़ा गार्डन है। दोस्तों सातवें नंबर पर सहेलियों की बाड़ी आप देख सकते हैं, जो कि रानियों की सहेली के लिए राजा उदय सिंह ने बनवाया था, बहुत ही शानदार गार्डन है। उसमें बहुत सारे फाउंटेन लगे हैं जो इंग्लैंड से मंगाए थे, बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स हैं। दोस्तों आठवें नंबर पर आप भगोर की हवेली देख सकते हैं, जो कि ग्लास वर्क के लिए फेमस है। इसमें म्यूजियम भी है और इसमें आपको ग्लास वर्क की बहुत सारी आइटम्स देखने को मिलेंगी। नौवें नंबर पे है विंटेज कार म्यूजियम उदयपुर में, जो कि महाराणा प्रताप के वंशज द्वारा चलाया जाता है और इसमें रोल्स रॉयस देखने को मिलेंगी, मर्सिडीज देखने को मिलेगी, कैडिलैक देखने को मिलेंगी, बहुत सारी विंटेज कारें देखने को मिलेंगी और वो भी रनिंग कंडीशन में है। और दसवें नंबर पे आप देख सकते हैं जगदीश टेम्पल, जो कि राजा जगदीश सिंह द्वारा बनाया गया था। ये विष्णु टेम्पल है और ये 3 मंजिला टेम्पल है, बहुत ही इसमें नक्काशी का वर्क किया हुआ है। अगर आप उदयपुर आते हैं तो जगदीश टेम्पल आप बहुत जरूर देखें, बहुत ही शानदार है। तो ये मैंने आपको बता दिए यहाँ उदयपुर में जो देखने की फेमस पॉइंट है। और हम पिछोला लेक लगभग पहुँच चुके हैं और हमें 3 मिनट का गूगल भाई बता रहे हैं कि 3 मिनट में आप पहुँच जाएंगे पिछोला लेक।
संडे है और बहुत ही टूरिस्ट पहुंचा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम हैं उदयपुर में पिछोला लेक और यहाँ पे अभी पहुँचे हैं और जस्ट यहाँ से अब हम बोटिंग करेंगे, पूरा घुमाएंगे पिछोला लेक। 20 मिनट की राइड है हमारी। तो ये टिकट ली थी हमने 150 पर पर्सन, तो 300 रुपये की हमने टिकट ली है। 20 मिनट की हमने अभी राइड करनी है पिछोला लेक और पूरा एक लेक का चक्कर लगा के आएंगे हम। दोस्तों हमने बोटिंग शुरू कर दी है और आज रश भी काफ़ी कम है, मौसम काफ़ी अच्छा है, लेक पे तो बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे लेक पैलेस, जग मंदिर पैलेस, मोहन मंदिर और दो तीन जगह है यहाँ पे देखने की, तो काफ़ी अच्छा है, रिलैक्स महसूस होता है आप बोटिंग करेंगे तो पिछोला लेक में। और पिछोला लेक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये महल के पीछे की साइड है, तो पीछे मीन्स पिछोला। तो अगर उदयपुर आएँ तो एक बार बोटिंग जरूर करना इस पिछोला लेक की, बहुत ही मजा आ रहा है। ये मेरे सामने है जल महल, ये जो व्हाइट रंग का है और ये अब एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और ताज ग्रुप के द्वारा ये चलाया जाता है, काफी कॉस्टली होटल है। दोस्तों ये सामने जो दिखाई दे रहा है इसको इसी को कहते हैं सिटी पैलेस और ये बैक साइड है सिटी पैलेस का। तो इस बैक लेक को हम पिछोला लेक इसीलिए कहते हैं, इसका इस सिटी पैलेस का जो फ्रंट है वो आगे की तरफ है। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये मेरे सामने एक होटल्स है, लीला होटल आई थिंक है, कंफर्म नहीं कहता है लेकिन लीला होटल है। इस तरह चारों तरफ काफ़ी होटल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और फोर्ट्स मिलेंगे और भी कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। दोस्तों ये सामने जो देख रहे हैं ये है जग मंदिर पैलेस, जहाँ ये एक तरह का रेस्टोरेंट है और एक तरह का गार्डन है और यहाँ पे आपको अगर लंच करना है या डिनर करना है तो कम से कम 3500 पर पर्सन आपको खर्चना पड़ेगा। अगर आपको वैसे भी घूमना है तो 700 रुपये एंट्री है। दोस्तों अब हम वापस चल पड़े हैं कुंभलगढ़ को। अभी आप देख रहे हैं उदयपुर सिटी व्यू। तो सिटी से हम निकल रहे हैं उदयपुर की, आज संडे है जिसके कारण मार्केट पूरी बंद है और इसी वजह से आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने पहुंचना है कुंभलगढ़ को जो कि 90 किलोमीटर है यहाँ से और रास्ता बहुत ही ख़राब है, ज़्यादा बढ़िया रास्ता नहीं है और हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं कुंभलगढ़ को। दोस्तों यहाँ से जो कुंभलगढ़ है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, गूगल दिखा रहा है 1 आवर 8 मिनट और ये सिंगल रोड है। जाते समय मैं हल्दी घाटी के रूट से होके गया था और हल्दी घाटी का रूट अभी कट गया है राइट हैंड पे और ये सीधा रास्ता है कुंभलगढ़ को, लेकिन रास्ता बहुत नैरो है, एक ही गाड़ी निकल सकती है। लुक एट द व्यू गाइस, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, रिवर है जो सूखी हुई है और पहाड़ है दोनों तरफ और ये हम पुल के ऊपर बैठे हुए हैं और अभी ब्रेक लिया है, फर्स्ट ब्रेक उदयपुर से चले थे हम और अभी यहाँ से कुंभलगढ़ 45 किलोमीटर और है
हम लगभग 1 आवर की राइड हो रहा है हमारी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था इसलिए मैं यहाँ रुक गया और ड्रिंक ब्रेक। अभी थोड़ी फोटो सेशन की है हमने। ऑल राइट, वी आर नियर टू कुंभलगढ़ और अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, लाइक करें। इसके अलावा कोई भी मेरा नया व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अंत में हमेशा दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ करो और वंदे मातरम, जय हिंद। रुके रुकिए, कल का मैं प्रोग्राम बता देता हूँ। कल हमने जाना है कुंभलगढ़ से चित्तौड़गढ़ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कोटा, स्टे हमारा होगा कोटा और बीच में हम करेंगे एक्सप्लोर चित्तौड़गढ़ को। तो कल का भी ब्लॉग अच्छा आने वाला है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।